हरे कृष्णा टू ऑल। आज है 24 जनवरी और साल का पहला पूर्णिमा है आज। और इंसिडेंटली और कोइंसिडेंटली जो भी कहिए, आज का जो पूर्णिमा है गुरुवार के दिन पूर्णिमा है। और बंगाली में एक जो लक्ष्मी जी का कथा है उस पर है। अगर इस तरह से है कथा कि बृहस्पतिवार यदि पूर्णिमा पड़े ताहार महिमा कथा बोला नहीं जाए। इसका सिग्निफिकेंट है इफ़ पूर्णिमा इज इन थर्सडे द सिग्निफिकेंस कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड। सो आज गुरुवार है, ऊपर से पूर्णिमा है, साल का पहला पूर्णिमा है। तो मैंने किस तरह से पूर्णिमा के दिन प्रभु की भोग की तैयारी की, प्रभु को भोग अर्पित किया, इसी से जुड़ा हुआ है मेरा आज का ब्लॉग। चलिए आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैंने प्रभु के लिए भोग बनाया, क्या बनाया भोग में। और बस हर पूर्णिमा में थोड़ा सा कच्चा दूध में तुलसी जी में जरूर अर्पित करती हूँ। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो थोड़ा सा कच्चा दूध यहाँ पे मैं तुलसी जी में दे दिया है। आई हूँ किचन पे, मैं बनाऊँगी चावल का खीर। कोई भी ओकेशन हो, खास करके पूर्णिमा हो, तो प्रभु के भोग की थाली में मैं ज़रूर चावल का खीर ऑफर करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चावल का खीर चढ़ा रही हूँ। दूध गर्म कर लूँगी पहले। बहुत ही सिंपल सा चावल का खीर है। थोड़ा सा मिल्क पाउडर मैंने दूध में दे दिया है, इससे एज यूजुअल क्रीमी टेक्सचर आता है दूध में। और मैं चावल का खीर हमेशा ही गोविंदभोग चावल जो होता है यानी काली जीरा राइस, उसी से बनाती हूँ। इससे एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू आता है खीर में। और खीर मेरा रेडी हो गया है। और आज जैसे मैं बोल रही थी कि गुरुवार है तो लक्ष्मी जी के कलश का स्थापना तो ज़रूर करना है, तो मैंने यहाँ पे उनका कलश का स्थापना कर दिया है। कढ़ाई गरम बिठाया है और मैं बनाऊंगी बंगाली का एक ख़ास रेसिपी जिसको हम कहते हैं लबड़ा, यानी मिक्स्ड वेज आप कह सकते हैं। तो इसके लिए सारे तरह का जो सब्जियां है वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पामकिन, फिर पालक के पत्ते, फिर है पालक के पत्ते, फिर है आलू, फिर गोभी, पत्ता गोभी, सीम है, फिर जो गट्ठा गोभी है वो है, गाजर है, जिस तरह का भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। परवल भी मैंने दिया है। और ये जो सब्ज़ी मैं बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने खाली कढ़ाई पे ही सब्ज़ी चढ़ा दिया है। थोड़ा सा नमक दूंगी और कवर करके रखूंगी क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ जो है उनको नरम करना है पहले। 10-12 मिनट तक मैंने कवर करके रखा था तो सब्जियां जो है थोड़ा सा नरम हो गया है। कवर करके मैं पहले सब्जियों को नरम कर लूँगी, फ्लिप करके दे रही हूँ ताकि नीचे का जो सब्जियां है वो ऊपर आए। और मैंने मालाबार स्पिनाच का जो सीड्स है वो भी मैंने ऐड किया है। मैं जिस तरह से कह रही थी कि सारे तरह का सब्जियां जो भी सीजनल सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो उसी से है आप बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूजा के दिनों में खास करके हम इसको खिचड़ी के साथ सर्व करते हैं या फिर दाल चावल के साथ भी ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर तक फिर से कवर करके रखी ताकि सारे जो सब्जियां है पूरी तरह से नरम हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने मूली भी ऐड किया है। एक्चुअली बहुत सारा सब्जियां मैंने कट किया है तो मुझे ठीक से याद नहीं है मैंने क्या क्या दिया था। तो गोभी है, पत्ता गोभी है, सीम है, पालक की पत्तियां है, डंठल है पालक की, मूली है, फिर आलू है, पामकिन है, गाजर है, परवल है, और जो मालाबार स्पिनाच का सीड्स वो भी है, सीम है,
तो मैंने सब्जियों को अच्छे से नरम कर लिया है। अभी मैं इनको निकल रही हूँ। कढ़ाई गरम किया है, उस पे दिया है सरसों का तेल, और सरसों का तेल गरम होते ही मैं इस पे दूंगी एक नहीं, दो सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा बे लीफ, चीरा हुआ हरा मिर्चा, और मैं दूंगी साबुत जीरा छौंके के लिए, और मैंने थोड़ा सा अदरक घिस लिया है, वो भी मैंने दे दिया है। अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से घिस के अगर दिया जाता है तेल पे तो इसका जो खुशबू है ज़्यादा निखर के आता है। थोड़ी देर तक, 1 या 2 मिनट में इनको सौते करूँगी ताकि अदरक का जो कच्चा वाला एरोमा है वो निकल जाए। अब भी मैं इस पे दे रही हूँ हल्दी पाउडर, और कोई भी मसाला इस पे नहीं जाएगा। और नरम किया हुआ सब्जियां मैं अभी दे दूंगी तेल में, और अच्छे से अभी मिक्स करना है हमें। इसमें कोई मसाला नहीं जाता है, इसलिए ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बहुत से लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, मैं भी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इस तरह से बना रही हूँ जिसमें मैंने कोई भी मसाला जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और जो आलू मैंने ऐड किया है, आलू को भी मैंने पील नहीं किया है, उनको छिलके के समय ही मैंने दिया है सब्जी में। इससे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मौसम का जो नया वाला आलू आता है, इनको अगर छिलके के साथ डाला जाता है वो भी खाने में अच्छा लगता है। और डॉक्टर्स कहते भी हैं छिलके में बहुत ज़्यादा पौष्टिकता रहते हैं आलू के। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बारी बारी से सब्जी को मिक्स करना है ताकि थोड़ा सा लटपटापन आए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी मैं नहीं दूंगी। ऐसे ही ये नरम होगा, नरम ये ऑलरेडी हो ही चुका है। बाकी जो मैशीशा एक टेक्सचर मुझे लाना है, इस तरह से मिक्सिंग से ही आएगा। अभी मैं ऊपर से दे रही हूँ गुड़ के बने हुए बताशा, क्योंकि इसमें मीठा तो ज़रूर जाएगा, तो थोड़ा सा चीनी या फिर गुड़ या फिर गुड़ के बने हुए बताशा ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट में एक बैलेंस आता है। और मैंने इस पे बैंगन और टमाटर नहीं ऐड किया है। और अभी मैं इस पे दे रही हूँ घिसा हुआ नारियल। जैसे मैं बोल रही थी कि मैंने बैंगन और टमाटर को स्किप किया है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्ज़ी में टमाटर दिया ही जाए, बिना टमाटर के भी यह सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। नारियल देने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर ले रही हूँ। अगर कोई चाहे तो इसी स्टेज में ड्राई रोस्टेड मूंगफली भी दे सकते हैं, इससे भी अच्छा लगता है। बस ये रेडी हो गया है मेरा जो मिक्स सब्जी। ऊपर से मैंने दिया है घी, और घी से एक बहुत अच्छा खुशबू आता है इस तरह के मिक्स्ड सब्जी में। अच्छा
अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये रेडी हो गया है मेरा बेंगोली सब्जी लाबरा, जो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु को ऑफर करने के बाद पाके बहुत टेस्टी हुआ था। यहाँ पे है सारा भोग जो मैंने प्रभु के लिए रेडी किया है, जो है ये है शीनी प्रसाद हम कहते हैं इसको, जो पूर्णिमा के दिन खास करके प्रभु को दिया जाता है। फिर है चटनी, फिर है खीर, और ये है लक्ष्मी जी के लिए एक चावल का भोग, फिर है कुछ फ्रूट्स, है खिचड़ी, और जो मिक्स्ड सब्जी मैंने बनाई थी वो प्रभु को भोग मैंने ऑफर कर दिया है। दोपहर का टाइम है और जो कुछ भी हो, अ मॉम नेवर बी ऑन ऑफ ड्यूटी। मैं अभी बैठी हुई हूँ मेरे बेटे के एकेडमी में, उसका प्रैक्टिस चल रहा है। आज चलती हूँ, कल मिलूँगी। हरे कृष्णा।